Dear students. In today's video, we are going to calculate द वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ आर आज की इस वीडियो में हम आर जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट आइडियल गैस कांस्टेंट या सिंपली गैस कांस्टेंट कहते हैं आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस आर की वैल्यू क्या है और अगर इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज है तो उस वैल्यूज़ के यूनिट्स क्या है तो आज के इस वीडियो में हम आर के मुख्तलिफ वैल्यूज और उनके साथ उनके यूनिट्स को कैलकुलेट या डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे सो लेट स्टार्ट एज वी नो फ्रॉम जनरल गेस इक्वेशन हमने जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ा क्या पढ़ा हमने जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ा के पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमने जनरल गैस इक्वेशन में यह पढ़ा आर अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर ले तो यह हो जाएगा आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर ले तो हमारे पास जो नया इक्वेशन आता है वो क्या होगा आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई एन टी लिहाजा अगर हम किसी भी पॉइंट पे आर की वैल्यू और यूनिट्स मालूम करेंगे तो हम इस रिलेशन को यूज करके आर की वैल्यू मालूम करेंगे अब आर की हम मुख्तलिफ वैल्यूज मुख्तलिफ कंडीशन पे मालूम करते हैं जिनमें से नंबर वन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ आर एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो किस तरह करेंगे लिहाजा यहां पर हम आर की वैल्यू एस टी पी पे मालूम करना चाहते हैं और एज वी नो दैट हमें पता है कि एट इज टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास होता है टी इज इक्वल टू जीरो डिग्री सेल्सियस जो कि बराबर होता है टू सेवेंटी थ्री कैल बन हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो जीरो डिग्री सेल्सियस या 273 सेवेंटी होता है सो so, नॉर्मली हम एस पे जो टेम्परेचर लेते हैं वो कौन सा होता है वो 273 सेवनटी होता है ठीक है नॉर्मली हम सेंटीग्रेड के बजाय कैलवन ही इस्तेमाल करते हैं और हमें पता है कि जीरो डिग्री सेल्सियस 273 सेवनटी के बराबर होता है जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं ठीक है S.T.P टीपी पे जो प्रेशर हम लेते हैं उसको हम स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं और आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्रेशर S.T.P टीपी पे जो हम लेते हैं वो कितना होता है वो होता है वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज द स्टैंडर्ड प्रेशर एट एस टी और जब हम नंबर ऑफ मोल स्टैंडर्ड लेते हैं तो वन मोल को हमेशा हम स्टैंडर्ड मोल्स लेते हैं हम जब हमेशा मोल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो वन मोल हमारे पास स्टैंडर्ड है लिहाजा हम मोल अगर स्टैंडर्ड लेंगे तो वो एसटीपी पे हम नॉर्मली वन मोल ऑफ एनी गैस लेते हैं ठीक है और जब हम वन मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी ले लेते हैं तो हमने एगेड ला में पढ़ा था कि 22.414 पॉइंट डीम क्यूब जगह वो अकोपाई करता है यानी इस टीपी पे वन मोल गैस 22.4 पॉइंट डीम क्यूब जगह जो है वो क्या करती है वो अकोपाई करती है ठीक है तो ये हमारे पास ये वैल्यूज हो गए इस इक्वेशन में लिहाजा अब हम लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यूज ऑफ टी पी एन एंड वी एन इक्वेशन वन अगर हम इस इक्वेशन वन में प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर के ये वैल्यूज लगा दी तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा आर इज इक्वल टू प्रेशर कितना है वन ए टी एम एंड टू वॉल्यूम कितना है 22.414 टू पॉइंट फोर वन फोर डी क्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉल कितनेचर कितना है 273 सेवेंटी ये हमारे पास R की जो है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इक्वेशन में फिलअप कर लिया या फिर इज इक्वल टू अगर हम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर को टू सेवेंटी थ्री पे डिवाइड कर ये वैल्यू हमारे पास आता है और इसका जो यूनिट होगा ए यहां से आ गया डीएम क्यूब यहां से आ गया मोल जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी पर मोल केल्विन जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी ये हो गया लिहाजा वैल्यू ऑफ आर एट एस टी पी आर की वैल्यू एस टी पी में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो बराबर होगा जीरो पॉइंट जीरो पर, पर केल्विन आर अगर इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई कर ले, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 8.21 10 रेस टू द पावर 2 डिजिट पॉइंट यहां पे चला जाएगा तो minus -2 और यूनिट्स वही रहेंगे atm dm3 पर मोल पर के सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एट STP तो so, अगर हमारे पास कैलकुलेशन में सॉल्विंग न्योमेरिकल्स हमारे पास आर की वैल्यू एस पे हम लगाएंगे तो हम ये वैल्यू लगाएंगे एंड उसके साथ जो हम यूनिट्स लगाएंगे वो ये लगाएंगे सो दिस इज द यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ आर एट एस टी पी आई होप आपको समझ आ गया होगा इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क आस्क्यूर क्वेश्चन इन कॉमेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो